गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज एक्सरसाइज 4.1 ऑफ क्लास 6. ऑलरेडी इंट्रोडक्शन डन इन प्रीवियस क्लास. सो इन दिस क्लास वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 4.1. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड दिस फिगर इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1. आपको फिगर गिवन है एंड वी विल फाइंड. देखो यहाँ पे फोर चॉइसेस आर गिवन. द फाइव पॉइंट्स आपको पहले फर्स्ट फाइव पॉइंट्स फाइंड करने हैं, देन ए लाइन फाइंड करनी है, फोर रेज फाइंड करनी है एंड फाइव आपको लाइन सेगमेंट आपको फाइंड करने हैं. लाइन सेगमेंट आपको फिगर गिवन है और ये चीज़ें आपको फाइंड करनी है. तो फर्स्ट यू विल टेल मी हाउ मेनी पॉइंट्स हियर. देखो दिस इज पॉइंट, ये एक पॉइंट है, इसका नेम राइट कर दो. देखो डी और आपको ऊपर मैंशन करना है डी ऐसे. सेकेंड पॉइंट आपको ई गिवन है तो कोमा लगाओ. दिस इज योर सेकेंड पॉइंट. पहले मेंशन द पॉइंट एंड देन राइट द नेम. नेक्स्ट आपका ओ इज द पॉइंट, देन अगेन मेंशन द पॉइंट. दिस इज ओ पॉइंट. नेक्स्ट आपका सी गिवन है, दिस इज सी. ये आपका अनदर पॉइंट. एक आपका गिवन है बी एंड दिस इज योर बी. एंड चेक वन, 1 2 3 4 5. एंड नेक्स्ट पार्ट में आपको गिवन है ए लाइन. आपको लाइन फाइंड करनी है, एक लाइन फाइंड करनी है. तो दिस इज लाइन और है भी एक ही. आप चेक कर लो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस लाइन. दिस इज योर लाइन. हाउ टू नो कि दिस इज लाइन, बिकॉज बोथ साइड आपको एरो गिवन है और लाइन के दोनों साइड एरो होती हैं. अगर एक साइड एरो हो तो उसको हम क्या कहते हैं, रे. तो यहाँ पे कौन सी लाइन है, इसका नाम दोगे डी बी. तो हाउ टू नोट दिस लाइन, दिस इज डी बी एंड ऊपर नोटेशन होगी लाइन की. ये किसकी नोटेशन है, लाइन की. तो आपको एक लाइन है इस गिवन फिगर में जिसका नाम है डी बी. दिस इज योर लाइन. नेक्स्ट पूछा इसने फोर रेस. तो यहाँ पे देखो एक रे इसका स्टार्टिंग पॉइंट है बट एंड पॉइंट नहीं है. तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रे. इस रे का नाम है ओ सी. ओ सी हाउ टू नोट इट लाइक दिस. एंड सेकेंड जो रे है आपकी वो क्या है, इसका पॉइंट नोट गिवन. आपका पॉइंट गिवन नहीं है तो आप इसको खाली ओ रे भी लिख सकते हैं. बट हम और चेक कर लेते हैं और क्या गिवन है. दिस इज ओ बी, ये भी एक रे है. तो राइट ओ बी. नेक्स्ट चेक करो, देखो ओ डी. ओ डी आपकी क्या है, रे है. एंड अगर आप बोलते हो ओ ई, ओ इज नॉट ए रे, ये आपका क्या है, लाइन सेगमेंट. ओ डी, ओ डी इज ऑल्सो नॉट ए रे, ये भी क्या है, आपका लाइन सेगमेंट. बट अगर मैं यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट दूँ तो ये आपकी रे है बट यहाँ पे नेम गिवन नहीं है. तो एक रे हो गई आपकी, कौन सी हो गई, ओ. तो इस पे नेम नॉट गिवन तो आप सीधा ओ भी राइट कर सकते हो. पॉइंट तो आप इसको ओ ई, ओ ई लोगी तो लाइन सेगमेंट आएगा. बट अगर मैं ई बी लेती हूँ तो ई बी आपका क्या हो जाएगा, रे हो जाएगा. तो आप इसको ई भी राइट कर सकते हो, ई बी. और चेक करो, ओ डी हो गया, ई बी हो गया, ओ सी हो गया. और आपका नेक्स्ट ई डी, देखो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा, नो एंड पॉइंट. तो ई डी भी आपका रे हो जाएगा. तो आपको कितना, फोर रे बताना था, दीज आर फाइव रे. यू कैन मेंशन मोर देन, क्योंकि दिस इज ऑल्सो ए रे. इसने मेंशन नहीं किया ये पॉइंट बट ये रे गिवन है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट है बट नो एंड पॉइंट. तो अब जब मैं अगर ई डी लिख रही हूँ तो मैं इसको मेंशन नहीं करूँगी, ये एंड पॉइंट में काउंट नहीं होगा. तो ये आपकी रेज है इन द गिवन फिगर. नेक्स्ट गिवन है आपका फाइव लाइन सेगमेंट. आपको फाइव लाइन सेगमेंट लेने हैं तो वेरी इजी टू फाइंड द लाइन सेगमेंट. देखो दिस इज अप योर लाइन सेगमेंट. ये आपका लाइन सेगमेंट है ओ सी, ओ बी, ओ ई, ई डी, डी ओ. तो ये आपके क्या हो गए, लाइन सेगमेंट. पॉइंट मेंशन कर लो, लाइन सेगमेंट के लिए फिक्स है. सबसे पहले आपका जो लाइन सेगमेंट है वो क्या है, ओ सी, नोटेशन ओ सी. नेक्स्ट आपका लाइन सेगमेंट क्या है, ओ बी, एरो नहीं लगानी है. एंड नेक्स्ट आपका लाइन सेगमेंट है ओ ई. नेक्स्ट आपका गिवन है ई डी एंड आपका नेक्स्ट है ओ बी. ओ बी गिवन है ओ डी. तो दीज आर लाइन सेगमेंट यू हैव फाइंड इन दिस फिगर. सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. दिस इज गिवन लाइन. ये आपको लाइन गिवन है. नेम द लाइन इन 12 वेज. आपको 12 वेज में लाइन का नाम लिखना है. तो जो लाइन है आपकी, देखो आप कैसे नेम राइट कर सकते हो. इस लाइन को मैं ए बी बोल सकती हूँ, ए बी लाइन है.
बी सी लाइन है या आप ए से ही स्टार्टिंग पॉइंट ले लो। देखो ए का स्टार्टिंग पॉइंट ले लो, तो मैं देखो मैंने पहले लिखा ए बी, देन मैंने लिखा ए सी, देन मैंने लिखा ए डी। देखो ए से स्टार्ट किया ए बी, ए सी, ए डी, थ्री हो गए। देन बी से स्टार्ट कर दो, बी सी, बी सी एंड बी डी। देन आप किसे सी से स्टार्ट करोगे तो सी डी। अब ख़त्म हो गया। हाउ मैनी वेज, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये 6 वेज डायरेक्टली हो गए, ए बी, ए सी, ए डी, बी सी, बी डी एंड सी डी। तो लाइन मेंशन कर दो, दिस इज लाइन। 6 वेज हमने डायरेक्टली सिंपल वे में राइट कर दिया। अब मैं इसको अपोजिट कर देती हूँ, जहाँ मैंने ए बी लिया था मैं अपोजिट किया, मैं इसको चेंज कर देती हूँ। मैंने इसको लिखा बी ए, आप बी ए भी तो राइट कर सकते हो। ए सी को भी उल्टा कर दो, ये सी ए हो जाएगा। ए डी को उल्टा कर दो, इसको डी ए राइट कर सकते हो। बी सी को उल्टा कर सकते हो, आप सी बी लिख सकते हो। डी बी को आप बी डी लिख सकते हो। तो आपके जो 6 वेव्स हैं ये इस टाइप में आ जाएंगे। तो आपके टोटल मिला के 12 वेव्स हो जाएंगे। यू रिप्रेजेंट द दिस गिवन लाइन, मेक द सिंबल ऑफ लाइन। आपको सिंबल बनाना है प्रॉपर। ये लाइन का सिंबल है, दोनों तरफ एरो होती है। अगर मैंने एक तरफ लगाई है इट मीन्स वो रे है, अगर मैंने कोई एरो नहीं लगाई इट मीन्स वो लाइन। कर लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। वन इज लेफ्ट, वन लेफ्ट है तो आप देन राइट इट। एक लाइन है, वन इज लेफ्ट, देखो सी डी बचा हुआ है आपका। सी डी को उल्टा करोगे तो आपका आएगा डी सी। तो टोटल 12 हो जाएंगे। चेक इट, इसको चेक कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12। These are 12 ways you can represent this line given। देखो डायरेक्टली फिर बता रही हूँ कि अगर 12 ways राइट करना है तो ए से शुरू करो। दिस इज ए बी, ए सी एंड ए डी। देन नेक्स्ट स्टार्ट फ्रॉम बी, बी सी, बी डी। नेक्स्ट स्टार्ट फ्रॉम सी, सी डी। तो आपके 6 ways आ जाएंगे सिंपल वे में। देन उन 6 ways को मैंने उल्टा कर दिया। ए बी को मैंने राइट किया बी ए, ए सी को राइट किया सी ए, ए डी को राइट किया डी ए, बी सी को राइट किया सी बी एंड बी डी को राइट किया आपने बी डी को डी बी। तो राइट डी बी। नेक्स्ट सी डी को राइट किया डी सी। तो ये 6 वे इनके अपोजिट हैं, हमने इनको सिर्फ चेंज किया है। तो ये टोटल मिला के आपके कितने वेव्स हो गए, 12 वेव्स। 12 वेज टू रिप्रेजेंट ए लाइन, द पॉइंट्स आर गिवन ए बी सी डी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पॉइंट। तो आप इसको ओ ई, ओ ई लोगे तो लाइन सेगमेंट आएगा, बट अगर मैं ई बी लेती हूँ तो ई बी आपका क्या हो जाएगा, रे हो जाएगा। तो आप इसको ई बी राइट कर सकते हो, ई बी। और चेक करो, ओ डी हो गया, ई बी हो गया, ओ सी हो गया, और आपका नेक्स्ट ई डी। देखो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा, नो एंड पॉइंट, तो ई डी भी आपका रे हो जाएगा। तो आपको कितना 4 रे बताना था, दीज आर 5 रे। यू कैन मेंशन मोर देन, क्योंकि दिस इज ऑल्सो ए रे। इसने मेंशन नहीं किया ये पॉइंट, बट ये रे गिवन है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट है बट नो एंड पॉइंट। तो अब जब मैं अगर ई डी लिख रही हूँ तो मैं इसको मेंशन नहीं करूँगी, ये एंड पॉइंट में काउंट नहीं होगा। तो ये आपकी रेज है इन द गिवन फिगर। नेक्स्ट गिवन है आपका 5 लाइन सेगमेंट। आपको 5 लाइन सेगमेंट लेने हैं, तो वेरी इजी टू फाइंड द लाइन सेगमेंट। देखो दिस इज अप योर लाइन सेगमेंट, ये आपका लाइन सेगमेंट है ओ सी, ओ बी, ओ ई, ई डी, डी ओ। तो ये आपके क्या हो गए, लाइन सेगमेंट। पॉइंट मेंशन कर लो, लाइन सेगमेंट के लिए फिक्स है। सबसे पहले आपका जो लाइन सेगमेंट है वो क्या है, ओ सी, नोटेशन ओ सी। नेक्स्ट आपका लाइन सेगमेंट क्या है, ओ बी, एरो नहीं लगानी है। एंड नेक्स्ट आपका लाइन सेगमेंट है ओ ई। नेक्स्ट आपका गिवन है ई डी एंड आपका नेक्स्ट है ओ बी, ओ बी गिवन है ओ डी। तो दीज आर लाइन सेगमेंट यू हैव फाइंड इन दिस फिगर। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज गिवन लाइन, ये आपको लाइन गिवन है। नेम द लाइन इन 12 वेज, आपको 12 वेज में लाइन का नाम लिखना है। तो जो लाइन है आपकी, देखो आप कैसे नेम राइट कर सकते हो। इस लाइन को मैं ए बी बोल सकती हूँ, ए बी लाइन है, बी सी लाइन है, या आप ए से ही स्टार्टिंग पॉइंट ले लो। देखो ए का स्टार्टिंग पॉइंट ले लो, तो मैं देखो मैंने पहले लिखा ए बी, देन मैंने लिखा ए सी, देन मैंने लिखा ए डी। देखो ए से स्टार्ट किया ए बी, ए सी, ए डी, थ्री हो गए। देन बी से स्टार्ट कर दो, बी सी,
BC एंड BD। देन आप किसे सी से स्टार्ट करोगे तो CD। अब खत्म हो गया। हाउ मैनी वेज? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये 6 वेज डायरेक्टली हो गए AB, AC, AD, BC, BD एंड CD। तो लाइन मेंशन कर दो, दिस इज लाइन। 6 वेज हमने डायरेक्टली सिंपल वे में राइट कर दिया। अब मैं इसको अपोजिट कर देती हूँ। जहाँ मैंने AB लिया था, मैं अपोजिट किया, मैं इसको चेंज कर देती हूँ। मैंने इसको लिखा BA, आप BA भी तो राइट कर सकते हो। AC को भी उल्टा कर दो, ये CA हो जाएगा। AD को उल्टा कर दो, इसको DA राइट कर सकते हो। BC को उल्टा कर सकते हो, आप CB लिख सकते हो। DB को आप BD लिख सकते हो। तो आपके जो 6 वेव्स हैं ये इस टाइप में आ जाएंगे। तो आपके टोटल मिला के 12 वेव्स हो जाएंगे। यू रिप्रेजेंट द दिस गिवन लाइन, मेक द सिंबल ऑफ लाइन। आपको सिंबल बनाना है प्रॉपर। ये लाइन का सिंबल है, दोनों तरफ एरो होती है। अगर मैंने एक तरफ लगाई है इट मीन्स वो रे है, अगर मैंने कोई एरो नहीं लगाई इट मीन्स वो लाइन। कर लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। वन इज लेफ्ट, वन लेफ्ट है तो आप देन राइट इट। एक लाइन है, वन इज लेफ्ट, देखो CD बचा हुआ है आपका। CD को उल्टा करोगे तो आपका आएगा DC। तो टोटल 12 हो जाएंगे। चेक इट, इसको चेक कर लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। दीज आर 12 वेज यू कैन रिप्रेजेंट दिस लाइन गिवन। देखो डायरेक्टली फिर बता रही हूँ कि अगर 12 वेज राइट करना है तो A से शुरू करो। दिस इज AB, AC एंड AD। नेक्स्ट स्टार्ट फ्रॉम B, BC, BD। नेक्स्ट स्टार्ट फ्रॉम C, CD। तो आपके 6 वेज आ जाएंगे सिंपल वे में। देन उन 6 वेज को मैंने उल्टा कर दिया। AB को मैंने राइट किया BA, AC को राइट किया CA, AD को राइट किया DA, BC को राइट किया CB एंड BD को राइट किया आपने BD को DB, तो राइट DB। नेक्स्ट CD को राइट किया DC। तो ये 6 वे इनके अपोजिट हैं, हमने इनको सिर्फ चेंज किया है। तो ये टोटल मिला के आपके कितने वेज हो गए? 12 वेव्स। 12 ways to represent a line. The points are given ABCD. Now come to the next question, question number 3. This is question number 3. In this question, use figure to give name. हमें फिगर को देख के नेम देना है. And the part 1 is given, line containing point E. ऐसी लाइन ढूंढो जिसमें पॉइंट ई हो. तो देखो दिस इज लाइन, या आपकी लाइन है ए ई, आप इसको नाम क्या दोगे? ए ई। आप ए ई भी दे सकते हो, बी ई भी दे सकते हो, डी ई भी। दिस इज़ योर चॉइस, क्योंकि हमने प्रीवियस जो क्वेश्चन किया था उसमें बताया था कि लाइन को हम डिफरेंट वे से राइट कर सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको राइट करना चाहते हो ए ई, तो आप राइट कर दो लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई, बट उसमें ई जरूर होना चाहिए। तो फर्स्ट इज आंसर इज ए ई एंड मैंशन द सिंबल ऑफ लाइन ऑन ए ई। अगर आप डायरेक्टली ए ही लिखते हो उसका कोई मीनिंग नहीं है, ये मीनिंगलेस है। तो फर्स्ट यू विल राइट ए ई, देन ऊपर मेंशन करो ये क्या है, गिवन इज लाइन। नाउ सेकंड पार्ट, लाइन पासिंग थ्रू ए। ए से पास होती हुई लाइन, आपको लाइन पास करनी है जो उस पॉइंट से पास हो रही है जो ए से पास हो रही है। सेकंड ऑप्शन है लाइन पासिंग थ्रू ए। देखो ए से जो लाइन पास हो रही है वो भी ए ई है, और भी डिफरेंट भी नाम दे सकते हो आपको, लेकिन इसमें ए ही गिवन है। आप बी ए ले सकते हो, डी ए ले सकते हो, ई डी ले सकते हो। तो डिफरेंट वे टू रिप्रेजेंट द लाइन पासिंग थ्रू ए, बट आपको एक ही पूछा है इसने, तो मैंने ए ही राइट कर दिया। ए इजी है। एंड द थर्ड पार्ट गिवन दैट लाइन ऑन विच ओ लाए, आपको वो वाली लाइन लेनी है जिस पे ओ हो। तो दिस इज योर लाइन, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस लाइन? देखो ओ इस लाइन पे है, इस लाइन का जो नाम है वो क्या है आपका? CO। BO भी ले सकते हो, OC भी ले सकते हो, CO भी ले सकते हो। तो एक लाइन आपको मैंने राइट किया है यहाँ पे CO। मेंशन द सिंबल ऑफ लाइन। एंड द लास्ट पार्ट इसमें गिवन है टू पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, आपको पेयर का मीन्स होता है दो, दो लाइन का लेना होता है। पेयर मीन्स हमें दो लाइन लेनी है। पेयर मीन्स आपका जोड़ा, जोड़ा मीन्स दो होना चाहिए। टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स, दो पेयर लेने हैं हमें इंटरसेक्टिंग लाइन्स के। तो एक इंटरसेक्टिंग लाइन, देखो एक इंटरसेक्टिंग लाइन तो हो नहीं सकती, मैंने कहा था कि अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो एटलीस्ट दो तो होंगी। अब हमें ऐसे दो पेयर लेने हैं, पेयर मीन्स जो जोड़ा होता है उसको बोलते हैं। तो पहली लाइन देखो आपने ए ई ली और सी ओ, ये दोनों लाइनें इंटरसेक्टिंग लाइन है,
तो फर्स्ट जो पेयर लिखोगे आप क्या लिखोगे, ए ई और सेकेंड वन इज सी ओ, ऊपर लाइन का सिंबल बनाना है, दिस इज पेयर, इसको कहते हैं पेयर, ये आपका फर्स्ट पेयर है। सेकेंड पेयर आप लोगे दिस इज ए ई एंड एफ ई, ए ई मेक ए सिंबल प्रॉपर लाइन एंड सेकेंड है एफ ई, ये एक दूसरे के साथ क्या क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। तो दिस इज आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन, हाउ मेनी लाइन कैन पास थ्रू, फर्स्ट इज गिवन वन गिवन पॉइंट, देखो दिस इज सिंपल, वन गिवन पॉइंट, हाउ मेनी लाइन कैन पास, देखो दिस लाइन कैन पास, दिस वन इज ऑल्सो पास, ये दिस वन, तो इनफाइनाइट मैनी लाइन कैन पास थ्रू वन पॉइंट, इनफाइनाइट लाइन्स कैन पास थ्रू वन पॉइंट, देखो एक पॉइंट से रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इस पॉइंट से आपकी मैनी लाइन पास हो सकती हैं, आप ट्राई करो, देर आर सो मैनी लाइन्स वी कैन नॉट काउंट इट, तो दिस इज वन गिवन पॉइंट, द हाउ मैनी लाइन कैन पास, इनफाइनाइट मैनी लाइन्स या इनफाइनाइट या मैनी लाइन्स, दिस इज योर चॉइस। नाउ सेकेंड पार्ट में आपको टू गिवन पॉइंट्स, अब यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, ये दो पॉइंट्स हैं, दोनों पॉइंट्स से आपकी लाइन पास होनी चाहिए, तो ओनली वन लाइन कैन पास, आप दूसरी लाइन ट्राई भी करोगे तो वो यहाँ से जाएगी तो एक ही पॉइंट से पास होगी बट सेकेंड पॉइंट से पास नहीं होगी, आप यहाँ से ट्राई करोगे तो इस पॉइंट से पास होगी बट इस पॉइंट से पास नहीं होगी, तो दिस इज रिस्ट्रिक्शन, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है दो पॉइंट की, तो लाइन एक ही लाइन, वन लाइन कैन पास थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, अगर दो पॉइंट्स हैं तो एक ही लाइन पास होगी, अगर एक पॉइंट है तो इनफाइनाइट मैनी लाइन कैन पास थ्रू वन पॉइंट। नाउ दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4 एंड सेकेंड आपका क्वेश्चन नंबर 5, पी लाइज ओन ए बी, आपका ए बी कोई लाइन सेगमेंट है, दिस इज योर ए बी लाइन सेगमेंट, इसके ऊपर पी लाई कर रहा है तो दिस इज पॉइंट पी, तो ये आपका देखो पॉइंट मेंशन करना है क्योंकि लाइन सेगमेंट गिवन है, एरो नहीं बनाना है। सेकेंड गिवन है एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट एम, कोई एक्स वाई ये लाइन सेगमेंट है और ये पी क्यू अनदर लाइन सेगमेंट है पी क्यू, ये एक्स वाई एक लाइन सेगमेंट है, ये पॉइंट वाई है, दिस इज पॉइंट एक्स, दिस इज पॉइंट पी, दिस इज पॉइंट क्यू, ये इंटरसेक्ट कर रहा है किस पे, एम पे। थर्ड गिवन है लाइन एल कंटेन्स ई एंड एफ बट नॉट डी, एक लाइन है, लाइन गिवन है तो आप लाइन का ही सिंबल बनाओगे, दिस इज लाइन एल जिसके ऊपर कंटेन्स मीन्स ई एंड एफ, दो पॉइंट ई एंड एफ किस पे हैं, लाइन पे गिवन है ई एंड एफ बट नॉट डी, तो आपको डी पॉइंट कहीं और लेना होगा, डी नॉट कंटेनिंग बाय द लाइन एल, एंड द डी पार्ट इज गिवन ओ पी एंड ओ क्यू, दो लाइन सेगमेंट है मीट एट ओ, वेरी सिंपल, देखो ओ कॉमन है ओ पी एंड ओ क्यू, तो इट मीन्स एक हमारा जो ओ है वो कॉमन है, दिस इज ओ पी लाइन सेगमेंट एंड दिस इज ओ क्यू, ये भी आपका लाइन सेगमेंट है, ओ पी एंड ओ क्यू मीट एट ओ, तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। नंबर 6 गिवन दैट दिस इज लाइन एम एन, नो प्रॉब्लम, अगर ये लाइन एम एन भी बोल रहा है तो इस कंप्लीट लाइन की ही बात कर रहा है, ये लाइन यहाँ पे लाइन एरो गिवन है तो इट मीन्स ये लाइन है, आपने फिक्स नहीं किया है, इट मीन्स ये कंप्लीट लाइन है, चाहे इसको एम एन बोले, क्यू पी बोले, क्यू एन बोले, एन पी बोले, डजेंट मैटर। तो फर्स्ट इसने पूछा है ट्रू फॉल्स गिवन है, आपको ट्रू फॉल्स फाइंड आउट करने हैं, फर्स्ट पार्ट में गिवन है क्यू एम ओ एन पी आर पॉइंट्स ऑन लाइन एम एन, दिस इज लाइन और द पॉइंट, देखो ये लाइन है, अगर ये एम एन भी बोल रहा है तो भी ये कंप्लीट लाइन है, तो क्यू एम ओ एन पी क्या होंगे, पॉइंट्स लाई कर रहे हैं इस लाइन पे, अगर ये सेगमेंट बोलता तो ये फॉल्स होता, बट दिस इज ए लाइन सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ये आपकी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, क्योंकि यहाँ पे गिवन है क्यू एम ओ एन पी आर पॉइंट्स ऑन लाइन, लाइन गिवन है। नेक्स्ट में गिवन है एम ओ एन आर पॉइंट्स ऑन लाइन सेगमेंट एम एन, अब देखो फिक्स कर दिया इसने डिस्टेंस, हमें सिर्फ इतना ही कवर करना है, तो एम ओ एन पॉइंट्स लाई ऑन लाइन सेगमेंट, दिस इज ऑल्सो ट्रू, ये भी आपका क्या है, ट्रू है।
नेक्स्ट गिवन है एम एंड एन आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट. बिल्कुल राइट, आपका लाइन सेगमेंट बोला तो ये बोल रहा है एम एन, तो ये एंड पॉइंट है कि नहीं है. दीज आर द एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट एम एन, तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. नेक्स्ट कहता है ओ एंड एन आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट ओ पी, बिल्कुल भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि जो ओ पी लाइन सेगमेंट है वो आपका ये ओ पी है और इसका जो एंड पॉइंट्स हैं वो ओ और पी हैं, नॉट ओ एंड एन. तो ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो जाएगी. इन द नेक्स्ट स्टेटमेंट गिवन दैट एम इज वन ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट एम लाइन सेगमेंट ओ क्यू, लाइन सेगमेंट दिस इज ओ क्यू, ये आपका ओ है ये क्यू है, एंड पॉइंट है इसका एम, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि इसका एंड पॉइंट क्या है, ओ हो सकता है और क्यू हो सकता है, एम नहीं हो सकता. तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगी आपकी, फॉल्स हो जाएगी. एम इज़ ए पॉइंट ऑन रे ओ पी, आपका ओ पी रे है, दिस इज रे एंड इस रे पे एन आपका एक पॉइंट है, दिस इज ट्रू. ओके, इज सेइंग एम इज पॉइंट ऑन ओ पी, नो दिस इज रॉन्ग. कौन सा पॉइंट है ओ पी पे, ओ पी पे एन पॉइंट है क्योंकि ओ पी रे इस तरफ जा रही है, इन बिटवीन ओनली वन पॉइंट इज गिवन एन, तो एम इज पॉइंट ऑन रे, ये स्टेटमेंट फॉल्स है. ओ पी इज डिफरेंट फ्रॉम रे क्यू पी, ये कह रहा है कि ओ पी रे क्यू पी से डिफरेंट है, इनके बीच का डिस्टेंस बिल्कुल सेम है. अब चेक कर लो, ओ पी, ओ पी रे ओ क्यू से डिफरेंट है, दिस क्यू पी, क्यू पी यस बिल्कुल डिफरेंट है क्योंकि जो क्यू पी रे है ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्यू है, ये क्यू पी है एंड नेक्स्ट आपको ओ पी बोला हुआ है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ओ है, तो दिस इज़ डिफरेंट, इनका डिस्टेंस भी अलग है, तो ये दोनों डिफरेंट हैं, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. रे ओ पी इज सेम एज रे ओ एम, ओ पी इज सेम एज ओ एम, नो. अगर ओ पी के सेम लेना है तो आपकी जो सेम होगी वो क्या होगी, ओ क्यू होगी, नॉट ओ एम, तो ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है. ओ पी इज नॉट सेम ओ एम, ओ एम इज नॉट अपोजिट टू रे ओ पी, ओ एम ओ पी के अपोजिट नहीं है, दिस इज ऑल्सो फॉल्स, जबकि वो उसके अपोजिट है. ओ इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ दिस नॉट, बल्कि ओ इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ दिस रे, तो ये भी आपकी फॉल्स. एन इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ एन पी एंड एन एम, एन पी एंड एन एम, एन पी एंड एन एम, यस एन इनिशियल पॉइंट है दोनों रे का, एन पी का भी और एन एम का भी, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. नाउ दिस इज योर एक्सरसाइज 4.1, आई होप यू विल डू इन फेयर नोटबुक. हैव ए गुड डे.